हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तनु पंकुरी तिवारी। तो यहाँ पर मैं फटाफट तैयार हो गई। मेरे जीजा जी ने फ़ोन किया, सो पहनना था मुझे सूट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी, ट्रेवल में तो सूट बहुत ही अच्छा रहता है। बट मैंने कहा नहीं, साड़ी पहनते मुझे भी अच्छा लगता, माँ को मेरे ऊपर साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो कहा जो तुम्हारी इच्छा पहन लो। मैं फटाफट यहाँ पर तैयार हो गई, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल दिन, सच में, जैसे जो आपके लिए बहुत करता हो और आप जिसको सबसे ज़्यादा मानते हो, ऐसा लगता है कि अगर उसका कोई मतलब कुछ भी हो, बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह हो, तो बहुत ही स्पेशल होता हमारी पूरी फैमिली के लिए, सच में। तो यहाँ पर हमारी दीदी जीजा जी पहुँच चुके हैं। फटाफट मैंने उन्हें चाय, नमकीन, बिस्किट वगैरह, थोड़ा बहुत नाश्ता कराया और तुरंत ही हम लोग निकल पड़ते हैं। देखिए कहाँ पर पहुँचे हैं, जो हमारे प्रयागराज के हैं उनको तो पता ही चल गया होगा, ये हम नए पुल पर पहुँच गए हैं। जो नहीं है वो जान लें, ये है हमारा प्रयागराज। तो वीडियो में बने रहिए, कुछ ज़्यादा पार्टी नहीं होने वाली, क्योंकि बच्चे हमारे नहीं हैं, मतलब भांजे लोग हमारे अभी हैं नहीं। हमारी भांजी शाहिबा, शिवानी, हनी सनी वगैरह, तो पार्टी अधूरी रहती। फिर भी मैंने जीजा जी से पार्टी मांगी थी, तो उन्होंने मुझे पार्टी दिया। तो चल रही हैं हम लोग, यहाँ पर गंगा जी को देरी नमस्कार कर रही हैं और बातचीत करते हैं। जैसे कि हम लोग मिलते हैं तो बहुत ही मस्ती आपस में होती है। तो मेरे साथ साथ आप भी वीडियो में बने रहिएगा, ढेर सारा प्यार मिले इस वीडियो को भी दीजिएगा, जैसे हर वीडियो को देते हैं। सो साड़ी उड़ी पहन के आए हैं, इसीलिए हम तुरंत सूट कर। बस 501 पे मान जाएंगी, इतनी सुंदर 501 पे आप ही में तो ना मिल जाए 100 रुपया मिल जाए। एडमिशन कराएंगे, नाम लिखवाएंगे। पंखुड़ी स्कूल जाओगी? हाँ, पढ़ने जाएगी। अभी बुआ ले जाएंगी इसको स्कूल में एडमिशन करा देंगे। कि पंखुड़ी बड़ी हो गई है अभी, खाना वगैरह खाने के बाद युवक के थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैं सो ही गई, देखा कि यहाँ पर आरती वगैरह दीदी ने कर लिया है और मैं सोती ही रही, क्योंकि मुझे बहुत ही थकान हो रही थी सच में। लेकिन दीदी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, बोला कि चलो सो जाओ। सच में कहते हैं ससुराल में एक जिम्मेदारी होती है, थोड़ा हेडेक, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ही समझती हैं, दीदी हों या माँ हों, कोई भी हो, मतलब समझते हैं एक दूसरे को, तभी अच्छा लगता है। फिर यहाँ देखा कि आरती हो गई और उसके बाद जैसे मैं बगल रूम में जाती हूँ, संगीता दीदी बैठी हुई हैं पंखुड़ी को मेहंदी लगा रही हूँ। हमारी मधु दीदी तो फटाफट, भाई आज ये दुल्हन है क्योंकि इनकी एनिवर्सरी है, तो उन्होंने हाथों में अपने आप से मेहंदी लगा लिया था और हेयर वॉश वगैरह कर लिया था। बैठी थी जीजा जी, सब चाय वगैरह पी चुके थे, मेरी चाय भी रखी थी, मैं फटाफट चाय पी। उसके बाद ये हुआ कि चलो रेडी हो जाते हैं, निकलते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा खास पार्टी होनी नहीं है, खाना हमें बाहर ही है, डिनर करें या जो भी जिसकी इच्छा हो। तो फटाफट हम लोग निकल पड़ते हैं। चल रहे हैं पंखुड़ी, हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। कौन ले जा रहा है? और कौन कौन जा रहा है बता दो इधर देख के। बुआ। और कौन? बुआ, पापा और बुआ भी तो है। हाँ। क्या नाम है उनका? संगीता बुआ। संगीता बुआ। और मेहंदी दिखा दो, किसने लगाया है? ऐसे दिखा दो, किसने लगाया मेहंदी? बुआ ने लिपस्टिक फुल मेकअप कर लिया है ना पंखुड़ी। ये हमारे प्रयागराज का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, महारानी जय का नाम है। सच में यहाँ पर देखिए भीड़ देखकर आपको तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि ये रात 10:30 बजे का सीन है, इतनी भीड़ है। तो इवनिंग टाइम तो यहाँ बहुत ही भीड़ होती है, मतलब यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम डोसा खाया था मेरी प्रेगनेंसी से, जब मेरी प्यारी सी लाडू रानी होने वाली थी, उसके बाद मैं अभी खा रही हूँ। मेरे फैमिली में ये खास बात होती है, आपको घुमाएँगे टहलाएँगे, फुल मस्ती होगी, फुल इंजॉय होगा। बट बाहर का खाना वगैरह बहुत ही कम सभी लोग खाते हैं, पतिदेव हों या जीजा जी। फिर भी मैंने जीजा जी से डोसा पार्टी मांगा था, तो उन्होंने मेरी डिमांड पर मुझे डोसा पार्टी दिया है। हालांकि हमारे भांजे वगैरह, मैंने अभी बताया कि फुल फैमिली हमारी कंप्लीट नहीं, फिर भी उन्होंने मेरी बात काटी नहीं, बहुत ही अच्छे हैं सच में।
मैं बहुत ही लकी हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला, क्योंकि मेरी हर छोटी छोटी खुशियों को दोगुना कर देते हैं। और इन्हीं की एनिवर्सरी थी, मैं क्या इनको दूँ। इन्होंने ही मुझे पार्टी वगैरह बहुत अच्छे से घुमाया टहलाया। कुछ वीडियोज़ में अभी इसमें ऐड नहीं करूँ, बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं तो यही कहती हूँ कि प्रभु सबके नसीब में ऐसे परिवार दीजिए आप, मतलब सब कोई खुश रहे। कहते खुशियाँ देने से खुशियाँ दोगुनी हमारी भी होती है। तो ये प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और गुड नाइट हो जाती है हमारी, उसके बाद मॉर्निंग भी हो जाती है। एक क्लिप मैंने मॉर्निंग की भी आपके साथ शेयर की है, पंखुड़ी उठते ही पूजा करने लगी बुआ के घर पर। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। दीदी जीजा को वन सेकेंड हैप्पी एनिवर्सरी, बाय बाय।